कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, कोविड-19 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और डेथ रेट भी इसकी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसी में ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है, हम उसका पालन करें, उसको माने। आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मास्क वेयर नहीं करता, जो कि सरकार ने कहा गया है, तो उसकी कितनी पनिशमेंट हो सकती है, और कोविड से जुड़े हुए कुछ नियमों की बात करेंगे। कितनी पनिशमेंट हो सकती है, क्या क्या धाराएं लगेंगी, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी गवर्नमेंट ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, सो उसके ऊपर कितनी सज़ा हो सकती है, कितना उसको फाइन लग सकता है, ये मैं सारा आज को बताऊंगा। हमारी जो इंडियन पिनल कोड है 1860, उसके तहत कुछ धाराएं लगती हैं उसके व्यक्ति के ऊपर जो कि इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। वो कौन कौन सी धाराएं हैं? सबसे पहले उसके ऊपर 188 लगेगी, जो कि है डिसओबीडियंस द पब्लिक सर्वेंट। जो कि पब्लिक सर्वेंट ने उसको कहा है मानने को, गाइडलाइंस को, अगर वो नहीं मानता तो 188 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और इससे रिलेटेड कुछ धाराएं मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं, वो भी आप देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहाँ पे अदर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आज की वीडियो में तीन धाराएं इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली है सेक्शन 269, सेकेंड है सेक्शन 270 एंड थर्ड है सेक्शन 271। इन तीन सेक्शंस के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 269 के बारे में। जो सेक्शन 269 है, ये कहता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। मतलब कि अगर कोई लापरवाही करता है, कोई पर्सन लापरवाही करता है, उसकी लापरवाही से अगर कोई इन्फेक्शन जो है बढ़ जाती है, स्प्रेड हो जाती है, चार पांच लोगों में चली जाती है वो बीमारी, तो वो हम कहेंगे कि उसकी लापरवाही से वो चीज़ हुई है, और उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और उसको फाइन हो सकता है, और उसके ऊपर सेक्शन 269 लगेगी। अब बात ये आती है, क्या उसको सिर्फ 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है? फ्रेंड्स, एक हमारा है एपिडेमिक डिसीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू द एपिडेमिक डिसीज एक्ट, उसमें ये लिखा हुआ है कि 6 महीने की सज़ा को वो बढ़ा भी सकते हैं। ये सरकार के ऊपर है, अगर कोई एपिडेमिक डिसीज़ है, अगर कोई महामारी है, अगर उसका कोई पालन नहीं करता, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह जो सेक्शन 269 के अंदर 6 महीने की सज़ा दी गई है, उसको बढ़ाया जा सकता है अगर कोई महामारी आ जाए, अकॉर्डिंग टू द एपिडेमिक डिसीज एक्ट। आगे बात करते हैं सेक्शन 270 के बारे में। सेक्शन 270 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। हमने पहले करा था 269 में नेग्लिजेंट, एंड अब है मैलिगिनेंट। नेग्लिजेंट होता है लापरवाही से अगर कोई डिसीज फैलाता है, मैलिगेंट होता है उसको पता है कि जो वो काम करेगा उससे किसी की नुकसान, किसी की जान को खतरा हो सकता है। लाइक अभी आप सभी को पता है कि अगर आप मास्क वेयर नहीं करोगे तो ये घातक बीमारी, ये कोरोना वायरस क्या है, घातक बीमारी है, ये दूसरे को चली जाएगी और दूसरे के बॉडी को इफेक्ट करेगी। लाइक अगर जैसे कि एचआईवी था, एचआईवी एड्स भी ऐसे बढ़ती थी, अगर उसको कोई स्प्रेड करता था जानबूझकर, उसको पता भी है उसको एचआईवी एड्स है, फिर भी वो किसी और को एचआईवी देता था, तो उसके ऊपर 270 के तहत कार्रवाई होती थी कि उसको पता है कि इस तरह से बीमारी क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा। सेम एज इट इज़, अगर आप वेयर मास्क वेयर नहीं करोगे, क्वारंटाइन के रूल नहीं मानोगे, तो 270 के अंदर जो है आपको पता है कि जो ये बीमारी है ये किसी की जान ले सकती है, तो इसके तहत जो है आपको थोड़ी सी सज़ा ज़्यादा दी जाएगी। पिछले सेक्शन में 6 महीने की सज़ा थी और इसको बढ़ाया भी जा सकता है बाय द एपिडेमिक डिसीज एक्ट। इस सेक्शन के अंदर 2 साल तक की सज़ा है और इसको भी बढ़ाया जा सकता है
टू द एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 2 साल की सजा हो सकती है इस सेक्शन के अंदर। अगर आपके ऊपर 270 लग गई, आपको 2 साल तक की सजा होगी और आपको साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपके ऊपर 270 लगा दी। अब बात करते हैं सेक्शन 271 की, डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स। अगर कोई व्यक्ति जो है, जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दी गई हैं, रूल्स बनाए हैं कि क्वारंटाइन के आप क्वारंटाइन में रहेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये सारे रूल्स बनाए हैं अगर सरकार ने, तो आपको उसको मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो आपको जो है इसके तहत भी सजा हो सकती है। ये डिपेंड करता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, वो आपके ऊपर कौन सी धारा लगाता है। अब इस धारा के अंदर ये भी है कि जैसे कि आप सभी को पता है, डीएम जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनके पास ये पावर है कि वो 144 के अंदर 144 लगा सकते हैं, और 144 लगाते समय वो कह सकते हैं कि आपने क्या करना है, कुछ रूल्स बना सकते हैं कि आप इकट्ठे नहीं होगे, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाओगे। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो ज़िले में ऐसी कुछ पाबंदियाँ लगा सकता है। अगर आप डीएम की ऑर्डर्स नहीं मानोगे, रूल्स को नहीं मानोगे, तब भी आपके ऊपर 271 का पर्चा हो सकता है और आपको इसके तहत 6 महीने की सजा हो सकती है। मैंने आपको 3 सेक्शन बताए, 269, 270 एंड 271, इन सभी के तहत जो है सजा जो है मैंने आपको बता दी, लेकिन ये सजा बढ़ सकती है बाय द एपिडेमिक डिसीज एक्ट। सो फ्रेंड्स, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करिए, ओके, फॉलो करिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। हाँ, हालांकि हमारी सरकार को पता नहीं चल रहा उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हमें कानून की पालना करनी है। अगर फिर भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपके ऊपर ज़बरदस्ती करता है, आपके ऊपर गलत पर्चा करता है, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर करिए, और आप उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी कर सकते हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो समझ लग गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी अपने विचार रखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में विचार रख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए और वो भी ये समझें कि क्या करना चाहिए इस समय में, क्या नहीं करना चाहिए। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।